हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक सा स्वेटर डिजाइन। हमारी एक फ्रेंड ने हमसे रिक्वेस्ट किया था इस डिजाइन को बताएं मैम, तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पे ये डिजाइन पैटर्न बता रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये डिजाइन बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत सी है, तो चलिए इस डिजाइन को बनाते हैं। इसे आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डिजाइन जो है 25 के मल्टीपल बनेगा, प्लस 2 फंदा साइड का एड स्टिच लेंगे तो आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमने 27 फंदे लिए हुए हैं। ये जो है कि 25 फंदे में ये डिजाइन पैटर्न केवल एक बनेगा, तो आप जो है यहाँ पर ये दो साइड के एड स्टिच है, इस तरीके से कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद आप इसे अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन पैटर्न का हम फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। अब देखिए पहली सिलाई में आपको ये 12 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 12 फंदे आपको निट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम ये साइड का एड स्टिच है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ देखिए वन साइड का एड स्टिच है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हमने बुन लिया है। अब यहाँ देखिए हमें ऊपर से इस तरीके से नीचे से नहीं, फ्रंट लूप से इस तरीके से हम नीडल्स को ऐसे डालेंगे और यहाँ 3 का 1 कर देंगे। देखिए ये 3 का 1 करेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे, जाली डालेंगे यहाँ पर। तो देखिए जब आगे ला करके आप ये फंदा सीधा बुनेंगे ना, तो यहाँ पर एक जाली बन जाएगा। फिर इसके बाद धागा आगे लाएंगे और जाली इस तरीके से डालेंगे, क्योंकि आगे वाला फंदा हमें ये उल्टा बुनाई करना है। देखिए तो यहाँ पर हमने जो रिपीट किया था, ये बीच का जो वन फंदा सेंटर का है, ये उल्टा जो है जो फंदा ना, ये सेंटर का है। ये 12 फंदे इधर और 12 फंदे इधर आपको एक ही तरीके से बुनाई करना है। तो देखिए हमने 8 फंदे सीधा बुना, इसके बाद 3 फंदे का एक किया, जाली डाला, सीधा बुना, जाली डाला और एक फंदा उल्टा बुना। सेम पैटर्न आपको इधर भी रिपीट करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, धागा अपनी साइड है, जब इसे हम ऐसे बुनेंगे सीधा फंदा, तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी यहाँ जाली बन गया। अब इसके बाद धागा आगे लाएंगे और देखिए इसको आपको इस तरीके से नीडल्स पर ले लेना है, राइट नीडल्स पर लेना है और इसे बैक लूप से आपको इसे नीचे से 3 का 1 करना है, लेकिन नीचे से करेंगे और धागा अपनी साइड करेंगे तो यहाँ एक जाली वाला फंदा बन जाएगा। इसके बाद 8 फंदे आपको सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये साइड का एड स्टिच है, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड देखिए डिजाइन पैटर्न का हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। सेकेंड रो देखिए आपको बता दे रहे हैं एक बार बुनाई करके, क्योंकि आपको बार बार यही रिपीट करना है, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करते हैं, 12 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदे हमने उल्टे बुने। धागा पीछे ले जाएंगे, जो बीच का ये सेंटर फंदा है ना, इसको हम सीधा बुनेंगे बैक साइड से। धागा आगे लाएंगे, 12 फंदे जो हैं हमें ये उल्टा बुनना है, 12 फंदा पर्ल वाइज बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदे हमने उल्टे बुने। ये साइड का एड स्टिच है, इसको भी हम उल्टा ही बुन लेते हैं। अब देखिए हमारा ये थर्ड रो है राइट साइड, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। हमने फर्स्ट रो में जो है यहाँ पर 8 फंदे सीधा बुना था, अब हम 6 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब देखिए हमें 1 2 3, ये जो 3 फंदा है ना, इस तरीके से हमें ये 3 का 1 ऊपर से ऐसे नीडल्स को डालिएगा। देखिए
इस तरीके से आपका ये इधर जाना चाहिए और इधर वाला जब हम घटाएंगे तो इधर जाना चाहिए, ठीक ना, बैक लूप से और इसे फ्रंट लूप से। और देखिए अब ये जो पुरानी जाली वाला फंदा है ना, इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए जो ये सीधा फंदा है ना, इसी पर हमारी जाली बार बार बनेगी, ठीक ना। धागा आगे लाएंगे और देखिए ये फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे। अब देखिए वन फंदा ये सीधा बुनेंगे और धागा आगे लाएंगे। ये जो सेंटर का फंदा है, वो एक फंदा उल्टा है ना, इसको हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए वन फंदा सीधा, अब धागा आगे लाएंगे, जो बीच में ये सेंटर वाला ये सीधा है ना, इसी के ऊपर हमारी जाली बनेगी। तो देखिए धागा आगे लाएंगे तो ऑलरेडी आपका यहाँ जाली वाला फंदा बन गया। फिर धागा आगे लाएंगे, अब ये पुरानी जाली है, आपको बुन लेना है ये फंदा, ठीक ना। इसके बाद अब देखिए ये ऐसे थ्री फंदे, तीन फंदे आपको इस तरीके से स्लिप कर लेने हैं और ये देखिए बैक लूप से इसे हम थ्री का वन करेंगे। अब सिक्स फंदा हम सीधा बुनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये साइड का एड स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये डिजाइन पैटर्न का थर्ड रो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये फोर रो है बैक साइड, तो फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी सिलाई आपको सेकेंड रो की तरह ही बुनाई करना है। तो गाइज देखिए ये जो है हमारा फिफ्थ रो है राइट साइड, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल फोर फंदे सीधे बुनना है, ठीक ना, पांच चार फंदे हमें सीधे बुनना है, वन टू थ्री फोर। देखिए यहाँ पर चार फंदे हमने सीधा बुना। अब देखिए ये जो फंदा है ना, एक दो तीन, ये वन टू थ्री, ये थ्री फंदे आपको फ्रंट साइड से इस तरीके से नीडल डाल करके आपको थ्री का वन करना है। अब देखिए ये पुरानी जाली का जो फंदा है ना, इसे दो फंदे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए जाली इसी पर जाएगी, ठीक ना, धागा आगे लाएंगे और यहाँ देखिए हम जाली डाल दिया हमने और वन फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे लाएंगे, यहाँ पर जाली बनेगी, देखिए दो फंदे सीधे बुनेंगे, वन टू। अब धागा आगे लाएंगे, अब वन फंदा उल्टा बुनेंगे, सेंटर का फंदा आपको उल्टा ही बुनना है, जैसे आपने इधर किया सेम आपको इधर भी रिपीट करना है। तो यहाँ देखिए ये जो दो फंदे हैं ना आपके पुराने जाली वाले, इसे आपको दो फंदे सीधे बुनना है, ठीक। अब धागा आगे लाएंगे, अब देखिए इसी सीधे फंदे पर जाली बनेगी, जब धागा आगे लाएंगे और ऐसे बुनाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक जाली वाला फंदा आ गया। फिर धागा आगे लाएंगे और देखिए एक दो, दो फंदे हमने बुनाई किए। अब ये जो जा रहा है ना, इसको देखिए इस तरीके से हम राइट नीडल्स पर ये थ्री फंदे ले लेंगे और ये हम बैक लूप से देखिए थ्री का वन करेंगे, तीन फंदों का एक कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद चार फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर, वन साइड का एड स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो गाइज देखिए हमारा हो चुका है फिफ्थ रो। अब सिक्स रो को आप उल्टा बुनते हुए पूरा सेकेंड रो की तरह ही आप कंप्लीट करेंगे, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए सेवन्थ रो है राइट साइड, अब यहाँ क्या करना है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अब दो फंदा केवल हम सीधा बुनेंगे, वन टू। अब देखिए यहाँ ये थ्री फंदे हमारे जो है ना, इसे हम ऐसे फ्रंट लूप से हम इसको सीधा बुनेंगे, थ्री का वन कर देंगे। अब देखिए जो पुरानी ये तीन जाली के फंदे हैं ना, इसे हम सीधा बुनेंगे, वन टू थ्री। अब धागा आगे लाएंगे, जो देखिए ये इसी सीधे फंदे पर ये जाली बनेगी। अब देखिए ये सीधा बुनाई करेंगे और यहाँ जाली बन गई, धागा आगे लाएंगे, फिर देखिए ये तीन फंदे आपको सीधे बुनने हैं, एक दो तीन। अब सेंटर का ये जो बीच का फंदा है ना, इसको आपको उल्टा ही बुनना है। अब देखिए धागा पीछे ले जाएंगे, सेम आपको वही करना है, तीन फंदे आपको सीधे बुनने हैं, एक दो तीन। धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और ये सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे और देखिए ये जाली बनेगा और तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब ये तीन फंदे हमें ऐसे इसको कर लेने हैं और यहाँ पर देखिए थ्री का
वन कर देंगे। फिर लास्ट में हमारे ये टू फंदा हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। साइड का एड स्टिच है, इसको भी हम सीधा बुन लेते हैं। तो हमारा ये सेवन्थ रो कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब ये एट रो है, देखिए बैक साइड फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और सेकेंड रो की तरह ही इसे आपको बुन करके पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए अब नाइन्थ रो है, राइट साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ एक भी फंदा नहीं बचा है। अब यहाँ जो है ये थ्री फंदा जो है ना, इसको थ्री का वन करेंगे ना, तीन फंदों का यहाँ एक कर देंगे। अब देखिए चार फंदे सीधे बुनना है, एक दो तीन चार। अब देखिए यहाँ जाली डाल लेना है, धागा आगे करेंगे और सीधा बुनेंगे तो जाली बन जाएगा। धागा आगे लाएंगे, फिर यहाँ हम जाली डालेंगे और चार फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब धागा आगे लाएंगे, अब देखिए बीच का सेंटर का हमारा फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार। धागा आगे लाएंगे, जाली डालेंगे और देखिए ये फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे, जाली बनेगा और चार फंदे सीधा, एक दो तीन चार। अब देखिए ये तीन फंदे ऐसे पलट लेंगे और इसे हम ये तीन का एक कर देंगे और इस साइड का एड स्टिच है, इसको हम बुन लेते हैं। अब जो है ये टेंथ रो आप सेकेंड रो की तरह बुने। तो फ्रेंड देखिए ये टेंथ रो की डिजाइन कंप्लीट हो गई है, लेकिन दो सलाइयाँ आपको और भी बना लेनी है जो दूसरी डिजाइन को इससे अलग करता है, ठीक ना। तो देखिए ये एलेवंथ रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए वन साइड का एड स्टिच है, इसके बाद दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। फिर देखिए धागा आगे लाएंगे, ये सेंटर का फंदा आपको उल्टा ही बुनना है, ठीक ना। फिर इसके बाद बारह फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। इस तरीके से आपको जो है ये इलेवंथ रो कंप्लीट करके तैयार कर लेना है। और जो है ये ट्वेल्थ रो है ना, इसे आप जो है सेकेंड रो की तरह ही इसे बुनाई करेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये सेकेंड रो की तरह इसको आप बुन लीजिए। तो फ्रेंड देखिए वन से लेके ट्वेल्थ रो आपको यही रिपीट करते जाना है, तो बहुत ही सुंदर सी ये डिजाइन पैटर्न फ्रेंड्स बनकर आएगी। तो देखिए आपको ऐसे 25-25 लेकर बनाते जाएंगे। अगर बच्चों को स्वेटर बना रहे हैं तो तीन डिजाइन में तो पूरे स्वेटर में आ जाएगा, 25-50, 25-75 हो जाएगा। तो आप जो है बड़े आराम से ये डिजाइन पैटर्न किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनेगी। अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।